फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर हुए विवाद में बॉलीवुड का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजस्थान के जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान करणी सेना ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की और सेट को भी तोड़ दिया थी। इस दल के लोगों ने फिल्म की कहानी से जुड़े एक तथ्य पर आपत्ति जताते हुए ये कदम उठाने का दावा किया है। इस विवाद के बाद भंसाली ने फिल्म की शूटिंग रोक दी और मुंबई वापस लौट आए। भंसाली पर हुए इस हमले की बॉलीवुड ने कड़ी आलोचना की। अब बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने कहा है कि हिंदी फिल्म उद्योग सरकार को कर के माध्यम से अच्छी खासी राशि देता है, फिर भी उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता है और केंद्र इसकी परवाह नहीं करता। बजट पेश होने के बाद अरशद से पूछा गया था कि क्या यह दुखद है कि फिल्म उद्योग को कोई राहत नहीं दी गई। इस पर अभिनेता ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से झेलती रही है। अरशद ने कहा कि बॉलीवुड के लिए कोई राहत नहीं है, मुझे क्षमा करें, लेकिन अच्छा खास पैसा बॉलीवुड उद्योग की ओर से सरकार को कर के रूप में जाता है, फिर भी दुर्भाग्य है कि हमें निशाना बनाया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता, यह दुखद है। अभिनेता ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली के पक्ष में भी बोला, जिन पर हाल में राजस्थान में कथित तौर पर करणी सेना ने हमला किया था जब वे पद्मावती फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब इस बारे में पूछा गया तो अरशद ने कहा कि यह बहुत गलत है या नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि यह वे समुदाय है जो ईमानदारी से काम करता है, कर देता है, उन्हें कुछ परवाह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि या तो गैंगस्टर आते हैं या सेना आती है और वे वो करते हैं जो वे करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई इस बारे में कुछ करेगा।